Today, we are going to start up with our new essay writing topic, in which the topic is my hobby. Hobby means a thing which we do in our leisure time or free time, or something that we like to do in our free time. हॉबी क्या चीज हुई कि मीन्स कोई भी ऐसी चीज जो हम रिलैक्स फील करें, जिसको करने से हम रिलैक्स फील करें, या जो भी जब भी हम फ्री होते हैं तो हम अक्सर वो चीज किया करते हैं, तो वो क्या होती है, हमारी हॉबी होती है, जिससे हमें रिलैक्सेशन फील हो. कल्टीवेशन ऑफ हॉबी इज वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ स्पेंडिंग वंस लेजर आवर्स. मीन्स हॉबी, ये एक क्वोटेशन है कि हॉबी रखना, किसी भी चीज की हॉबी होना, ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि अपनी लाइफ का जो फ्री टाइम होता है उसको स्पेंड करने के लिए. इंट्रोडक्शन. अ हॉबी इज अ स्पेशल वर्क विच अ पर्सन डज फॉर द सेक ऑफ हिज एम्यूजमेंट. एक हॉबी एक ऐसा स्पेशल वर्क होता है, ऐसा स्पेशल काम होता है जो एक पर्सन अपनी आराम के लिए जो चीज वो करता है, आनंद के लिए. इट इज अवर फेवरेट रिक्रिएशन. ये हमारी सबसे फेवरेट रिक्रिएशन होती है. रिक्रिएशन मीन्स जिससे हमें रिलैक्सेशन मिले. अ हॉबी इज जनरली एन आर्ट इन विच अ पर्सन इज मोस्ट इंटरेस्टेड. ये एक आर्ट है, ये एक कला है जिसमें एक पर्सन बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता है कि जब भी उसको फ्री टाइम मिलेगा तो वो जो भी उसकी हॉबी होगी वो करेगा, ताकि उसको वो करने से अच्छा फील हो. अ हॉबी टू वन वे मे बी अ प्रोफेशन टू अदर्स. एक इंसान की हॉबी दूसरे इंसान के लिए उसका वो प्रोफेशन भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे कईयों की हॉबीज होती हैं म्यूजिक, सिंगिंग, कुछ एज अ हॉबी रखते हैं सिंगिंग को, और कईयों का प्रोफेशन ही सिंगिंग होता है. जो सिंगर्स होते हैं उनका प्रोफेशन ही सिंगर है, वो उसी से अपना मीन्स लेवलीहुड भी चला रहे होते हैं, अपना मीन्स जितना भी खर्चा वगैरह होता है वो भी सब उसी से कमाते हैं, वो उनकी इनकम का भी सोर्स होता है. लेकिन कुछ लोगों के लिए वो सिर्फ एक उनकी हॉबी है जिससे उनको रिलैक्सेशन फील होती है. इन अदर वर्ड्स, हॉबी ड्राइव्स अवे फटीग एंड प्रोवाइड्स अस रिलैक्सेशन एंड एम्यूजमेंट. दूसरे शब्दों में बोला जाए तो हॉबी क्या है, जो फैटीग को ड्राइव कर देगा. ड्राइव मीन्स फैटीग, जो थकावट होती है पूरे दिन की, पूरे दिन भर जो काम करते हैं हम, उससे थकावट हो जाती है, उसको खत्म कर देता है और हमें क्या, रिलैक्सेशन और एम्यूजमेंट प्रोवाइड करता है. देयर इज वन थिंग दैट इज हॉबी, इट डेकोरेट्स अवर लाइफ्स लॉबी. मीन्स एक ऐसी चीज है जिसको बोलते हैं हॉबी, जो हमारी पूरी लाइफ की लॉबी, लाइफ की लॉबी मीन्स पूरी लाइफ को डेकोरेट कर देता है. अगर हॉबी ना हो तो हम सिर्फ काम ही काम करते रहेंगे और रिलैक्सेशन करने का हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल भी हम रिलैक्स नहीं हो पाएंगे, हमेशा हमारे ऊपर बर्डन सा ही रहता है. माई हॉबी. हॉबी डिफर्स फ्रॉम मैन टू मैन. हॉबी जो है वो हर इंसान की अलग अलग हो सकती है. आई एम अ स्टूडेंट एंड आई एम ऑलवेज बिजी इन स्टडिंग द बुक्स. यहां आपके लिए बात की है कि आप एक स्टूडेंट हैं और आप हमेशा बिजी रहते हैं बुक्स वगैरह को पढ़ने के लिए. बट इट डज नॉट मीन दैट स्टडिंग बुक्स इज माई हॉबी. लेकिन ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ बुक्स पढ़ना ही मेरी हॉबी है. आई वॉन्ट टू अडॉप्ट सच टाइप ऑफ हॉबी विच विल प्रोवाइड मी रिलैक्सेशन एंड रिक्रिएशन. सिर्फ बुक्स पढ़ के रहता हूं तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो मेरी हॉबी बन गई है. मैं ऐसे कुछ हॉबी अडॉप्ट करना चाहता हूं कि जिससे मुझे रिलैक्सेशन और रिक्रिएशन मिले. सो आई चूज नेट सर्फिंग एज माई हॉबी. तो इसलिए मैंने क्या चीज चूज की हॉबी के लिए, नेट सर्फिंग. नेट सर्फिंग मीन्स इंटरनेट पे सर्च करना, अलग अलग चीजों के बारे में अलग अलग नॉलेज गेन करना. माई हॉबी इज नेट सर्फिंग, सिटिंग ऑन अ सिंगल विंडो. आई लव टू डिस्कवर न्यू थिंग्स. मेरी हॉबी क्या है, नेट सर्फिंग है, मीन्स इंटरनेट पे अलग अलग चीजें सर्च करना, और एक ही सिंगल विंडो पे बैठे हुए. सिंगल विंडो यहां मतलब खिड़की से नहीं है, सिंगल विंडो मीन्स एक ही जगह पे बैठे हुए, एक ही वेबसाइट पे बैठे हुए, या एक ही जगह पे बैठे हुए हम एक ही डिवाइस से इतनी सब चीजें हम ले सकते हैं, उससे गेन कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं. आई कीप अ रिकॉर्ड ऑफ वेबसाइट्स इन माई डायरी. मैंने बहुत से रिकॉर्ड्स रखे हैं वेबसाइट के अपनी डायरी में. इंटरनेट इज अ रिजर्वायर ऑफ इंफॉर्मेशन. मीन्स लेकिन इंटरनेट जो है वो एक रिजर्वायर है इंफॉर्मेशन का. रिजर्वायर मीन्स भंडार है इंफॉर्मेशन का. जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो हम इजिली इंटरनेट से गेन कर सकते हैं.
पहले क्या होता था कि इंटरनेट जब नहीं होता था तो उस टाइम पे जो भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी वो हम कहीं से भी, जैसे हमें कहीं से भी इन्फॉर्मेशन मिली तो हम उसको अपनी डायरी पे या कहीं पे नोट डाउन कर लेते थे। तो जब मीन्स बहुत सालों तक हम इस तरह से ही इतनी चीज़ें नोट डाउन करते रहें तो वो चीज़ें जब बाद में कभी हमें ज़रूरत है, 10 साल के बाद कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हमें ढूंढना पड़ता है कि कहाँ रखा है हमने। लेकिन इंटरनेट की मदद से हम एक ही जगह पे बैठे हुए मीन्स बिना कहीं इधर उधर जाए भी हम इजीली कोई भी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स गुड फूड टू माइंड, ये गुड फूड देता है माइंड को। फूड इन द सेंस कि खाने के लिए कोई चीज़ नहीं देगा लेकिन ये रिलैक्सेशन देगा और स्ट्रेस को दूर करेगा हमारे माइंड से। एवरी नॉलेज इज जस्ट अ क्लिक अवे, कोई भी नॉलेज चाहिए हो हमें तो सिर्फ एक क्लिक करने की देरी होती है। माउस के साथ या फिंगर्स के साथ हम फोन्स पे जो भी क्लिक करेंगे, सिर्फ क्लिक करने की देरी है तो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है इजीली।